नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस की। अगर आप चाहते हैं कि आप हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस लगाए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी का। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, बॉडी स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, ठीक। फ्रॉम एज हाइट दे रखा है, हाइट दिया 60 सेंटीमीटर और जो रेडियस दे रखी है अपने को कितना दे रखा है नीचे 20 सेंटीमीटर का एक सर्कल सेमी सर्कल दिया, ठीक। और आगे बोला गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय द ट्रे एट द पोजीशन बी सी एंड डी, है ना। तो बी सी एंड डी पर कितना फोर्स लगा रहा है जो आपका ट्रे है, या ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है बी पर, सी पर और डी पर, ठीक। तो आप देखिए, यहां से जब ऑब्जेक्ट आपका नीचे आएगा तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास, एम जी एच, ठीक। अब यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, जब आपका जो बॉडी है वो कहाँ होगा, बी पर होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो जो वी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2g और रूट में h, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2gh। अब h की जो वैल्यू है वो कितना है, देखो यहां पर कि h जो है वो 3 times ऑफ r है, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि V इक्वल्स टू 2G इंटू 3R, है ना। इससे क्या हुआ कि वेलोसिटी एट B पॉइंट जो अपने को मिली वो कितनी मिल गई, रूट 6GR, ठीक। और एक कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए हमको जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर वर्टिकल सर्कल ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, वो कितनी होगी भाई, अगर वर्टिकल सर्कल के लिए बात करें तो वो होनी चाहिए रूट 5gr, ठीक। लेकिन हमारे पास तो इससे ज्यादा है, मतलब ये जो बॉडी है ये कंप्लीट सर्कल बनाएगी, ठीक है। अब इसमें यहां पर अगर अपन बात करें बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी बात कर रहा हूं मैं, एट पॉइंट बी, है ना। तो एट पॉइंट बी का अगर अपन यहाँ पे बनाए तो नीचे की तरफ लगेगा एम जी, और जब इसके पास जो वेलोसिटी है वो रूट 6 जी आर है, ठीक, उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या होगा भाई, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, इसमें ऊपर की तरफ आएगा। तो ये इसको मैंने बोल दिया एन बी, है ना, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी, ठीक है। तो नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा भाई, यहाँ पर एम V square by R, ठीक है, ये फोर्स लगेगा आपका यहाँ पे। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मतलब एन वी जो होगा वो कितना होगा आपका, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना, ये कैपिटल R लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो एन वी कितना हो जाएगा भाई अपने पास में, कि एन वी की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी अपने पास एम जी प्लस एम वी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 जी आर बाई आर, तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और ये जो हो जाएगा 7 mg हो जाएगा आपका नॉर्मल की वैल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन 1 1 1 होगी अपना, ठीक है। अब अगर बात करें अपन आगे तो नॉर्मल रिएक्शन एट सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे देखो कि सी पॉइंट पे सिर्फ ये फोर्स जो है वो एम वी स्क्वायर बाई आर जो है बाहर की तरफ लग रहा होगा एट सी पॉइंट, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी एम सी की वैल्यू, ठीक। एम जी जो है वो नीचे लगेगा तो एम जी की वजह से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक। मतलब एम सी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी, एम वी सी स्क्वायर बाई आर, और इसकी अगर जो है भाई तो अपने को पता चलता है यहाँ पर कि सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, इसमें जब बेस में रूट 5 gr होती है तो यहाँ पर c की जो वैल्यू होती है वो रूट 3 gr होती है, अभी अपने पास 6 gr है तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास में 4 gr, ठीक है, और यहाँ कितनी वेलोसिटी हो जाएगी रूट 2 gr, ठीक है। तो ये अपन ने वैल्यू रखा भाई, तो ये हो गया 4 gr बाई आर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी बेटा 4 mg, ठीक, एन एट सी। तो एन एट अपने को क्या निकालना है, डी पर निकालना है, तो डी पर कैसे आएगा कि डी पर अगर अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा एट डी पॉइंट पर, कि एम जी नीचे लग रहा है आपका और एम
वी डी स्क्वायर बाई आर ऊपर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल नीचे लगेगा आपका एनडी, ठीक। तो एनडी की वैल्यू क्या हो जाएगी कि एम वी डी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, ठीक है। तो अपन यहां पर एनडी की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आ जाएगी भाई अपने पास में, सिंपल सा कि इसकी वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या बनेगा भाई अपने पास में, एनडी इक्वल्स टू हो जाएगा एम और ये हो जाएगा टू जी आर बाई कैपिटल आर माइनस एम जी। तो आर कैंसिल आउट हो गया बेटा, मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी आपके पास, एम जी, ठीक है। तो हमसे रेशियो पूछा है तो रेशियो सिंपल तरीके से यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो कितना आएगा आपका, रेशियो की बात कर रहे हैं अपन तो एन ए एन बी रेशियो एन सी रेशियो एन डी, यह वैल्यू आ जाएगी 7:4:1, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इस टाइप के अगर आप चाहते हैं कि और भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिले तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।